आनंद मोहन जी को बलि का बकरा बनाकर उनको फिर से जेल भेजने की तैयारी इन्होंने कर दिया, और उसके आर में 2 दर्जन से ज्यादा लोगों को छोड़ करके लखीसराय का एक अपराधी अशोक यादव है, जिसने दो दो कुशवाहा समाज के लोगों की हत्या किया। ये उन गुंडों की सहानुभूति लूटने का प्रयास किया है जो जंगल राज में पुरोधा बन करके लालू जी का राज चलाता था। नमस्कार, मेरा नाम सत्यम पटेल है और आप अभी लाइव सिटी देखो देखिए समय मौजूद है रोहतास जिला का सासाराम का जिला तिथिगृह में। और आपको हम बता दें यहाँ पर बिहार विधानसभा का जो नेता विरोधी दल है यानी नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा जो कि भाजपा के हैं यहाँ पर आए हुए हैं, और आने के साथ उनको पहले तो उनके द्वारा मीडिया के साथ प्रेस वार्ता की गई, और जब मीडिया वालों ने उनसे सवाल पूछा कि आनंद मोहन की जिस प्रकार से बिहार सरकार के द्वारा रिहाई की जा रही है इस पर सवाल पूछा, तो उन्होंने आनंद मोहन को आनंद मोहन जी कहकर संबोधित किया। और इसके साथ साथ स्पष्ट तौर पर उन्होंने बताया कि आनंद मोहन को जो है बलि का बकरा बिहार सरकार के द्वारा और नीतीश कुमार के द्वारा बलि का बकरा बनाया जा रहा है, उनके बहाने आनंद मोहन के बहाने कई दुर्दांत अपराधियों को छोड़ा जा रहा है। चलिए सबसे पहले आपको सुनाते हैं क्या कुछ कहते हैं बिहार विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा। देखिए, आज माननीय न्यायालय छोड़ते तो किसी का प्रश्न नहीं उठता। आनंद मोहन जी को बलि का बकरा बनाकर उनको फिर से जेल भेजने की तैयारी इन्होंने कर दिया, और उसके आर में 2 दर्जन से ज्यादा लोगों को छोड़ करके ये उन गुंडों की सहानुभूति लूटने का प्रयास किया है जो जंगल राज में पुरोधा बन करके लालू जी का राज चलाता था। भारतीय जनता पार्टी कोई भी लीडर हमेशा अपराध भ्रष्टाचार के विरुद्ध रहा है। आनंद मोहन जी को 2016 में कानून में संशोधन करके किसने बाध किया जेल में रखने के लिए, और आज उनके नाम पर कानून में संशोधन करके 2 दर्जन कुख्यात अपराधियों को जेल से बाहर कर रहे हैं, जो कई दलितों शोषितों गरीबों अति पिछड़ा के लोगों की हत्या किया है, अपने जात के लोगों की हत्या किया है। इन अपराधियों को आपने ही दिया है पेपर में कि थाने में हाजिरी बजाइएगा, क्या जरूरत है इसे लोगों को बाहर लाने का? आज 4 लाख लोग जिसको शराब और जहरीली शराब के मामले में जेल का सफर कराया, 7 लाख लोगों पर मुकदमा है। अरे सहानुभूति हो तो उन गरीबों के लिए जो डेली कमाता खाता है और आपके प्रशासनिक रजकता और भ्रष्ट प्रशासन के निकम्बापनी के कारण वो जहरीली शराब का शिकार होता है, सहानुभूति उसके साथ हो। ये गुंडों के साथ, मवालियों के साथ, भ्रष्टाचारियों के साथ कैसी सहानुभूति है? अरे यही तो हम पूछ रहे थे। विधानसभा के अध्यक्ष तो हम आसन पर बैठे थे, हमको पाठ पढ़ा रहे थे कि ये आपका मामला नहीं है, कोर्ट देखेगा। आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ये अपराधियों को आनंद मोहन जी के आर में अपराधियों को निकाला। लखीसराय का एक अपराधी अशोक यादव है, जिसने दो दो कुशवाहा समाज के लोगों की हत्या किया, 3 लोगों को, और एक जादव विजय जादव की हत्या किया। बताइए कौन जवाब देगा? ये कुशवाहा समाज और जादव 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 समाज की हत्या करने वाला अशोक जादव को आपने छोड़ा है, समाज के अंदर फिर से दहशत पैदा करना चाहते हैं। अधिकतर अपराधी का इतिहास भूगोल जनता के सामने आनी चाहिए थी। न्यायालय के सामने आपको बहुत सहानुभूति था, अपराधियों से बड़ा लगाव था, हमदर्दी था, तो न्यायालय को ये काम आप सौंपते, याचना अपील दाखिल करते। ये न्यायालय का, माननीय न्यायालय का काम है कि कौन अंदर रहेगा कौन बाहर जाएगा। आपने सुना किस प्रकार से जो है भाजपा के वरिष्ठ नेता बिहार विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष आनंद मोहन को विजय सिन्हा जिस प्रकार से आनंद मोहन जी कहकर संबोधित कर रहे हैं, और साथ ही साथ स्पष्ट तौर पर उन्होंने कहा कि आनंद मोहन को बिहार सरकार बलि का बकरा बना रही है। इसके साथ साथ कहा आनंद मोहन के बहाने जो है किस प्रकार से बिहार सरकार कई दुर्दांत अपराधियों को बचाने का कोशिश कर रही है, और इसी को लेकर स्पष्ट तौर पर बिहार सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि न्यायालय का मामला था, न्यायालय चाहिए था, लेकिन बिहार सरकार ने स्वयं ही निर्णय ले लिया। इस खबर पर लगातार हम बने हुए ऐसी खबरों के लिए लाइव फीड के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।